मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने आज राजीव भवन में 300 गरीबों को मकान आवंटित किए, वहीं 137 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की। शनिवार को मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें और लोगों को मकान वितरित किए। इस कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी के साथ बलदेव विधायक पूरण प्रकाश भी मौजूद रहे। वहीं ट्राई साइकिल पाकर और मकान पाकर लोगों के होठों पर मुस्कान आ गई। इस कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं मथुरा के लोगों के लिए कुछ करती हूँ। मैं अपनी निजी से तो कार्य करती हूँ, परंतु उससे भी अलग मैं बहुत सारे काम करती हूँ। मेरे दिमाग में बस सिर्फ यही रहता है कि मैं किस तरह से ब्रजवासियों का दुख दूर कर सकूं। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज 137 ट्राई साइकिलें वितरित की गई हैं और साथ ही 300 मकान भी आवंटित किए गए हैं। बताएं मैडम, आज आपने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया, साइकिल ट्राई बांटी है, क्या कहेंगे इस मौके पर? आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं, आप क्या कहेंगे? तो ये क्या कहेंगे, इतनी खुशी का अवसर है मेरे लिए, जो जरूरतमंद लोगों के लिए मैं कुछ काम कर पा रही हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि विकलांग भाइयों बहनों जो हैं, उनका मेरा सांसद निधि से ये आज का ये सब लोकार्पण किया है। इसके अलावा पूरा जनपद में बहुत सारे रोड्स बने हैं, उसका भी उद्घाटन आज किया है, जो आज तक मेरे ख्याल में इतने एक साथ में कभी हुआ नहीं है। इतने रोड्स बन रहे हैं, इतने मेरे सांसद निधि से भी ये बन रहा है, तो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। कितनी सड़कों का लोकार्पण किया आपने? आज आई थिंक 135 रोड्स का आज किया। आवास भी दिए गए, कितने आवास दिए गए? आवास कितना? 10 आवास। ये 10 तो आपने अपने हाथ से बांटे, बाकी लोग कहाँ हैं? 300 है, 300 एंड जिसमें से सिर्फ 10 को दिया हाथ में मैंने, बाकी ये लोग करेंगे। लेकिन यहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाह बोला भी था, क्योंकि आप लोग जानते हैं।